नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। कुंभ नगरी में आपका स्वागत है। प्रथम शाही स्नान से महाकुंभ का ये पर्व यहां प्रयाग में शुरू हो गया। आज एक एक करके 9 अखाड़ों ने स्नान किया और आज से 54 दिनों तक चलती रहेगी भक्ति और श्रद्धा की ये अलग। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ आज प्रयागराज में। मकर संक्रांति के पावन दिन पर शुभारंभ हो गया आस्था, भक्ति और श्रद्धा के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ का। सूर्य की किरणों के धरती पर पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया एक ऐसा स्नान जिसकी एक डुबकी के बारे में मान्यता है कि जन्मों जन्म के पाप स्वयं धुल जाते हैं। मौका इसलिए भी पावन था क्योंकि धरती पर लगने वाले इस सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत हुई मकर संक्रांति के शाही स्नान से, जिसका सबसे पहले श्री गणेश किया शाही अखाड़ों ने। सुबह 6:15 पर सबसे पहले शाही स्नान का मौका मिला महानिर्वाणी अखाड़े को। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा का प्रयाग के प्रयागराज के अंदर पहला स्नान होता है और हरिद्वार में नन्हे अखाड़ा का पहला होता है, उज्जैन में दीना अखाड़े का पहला होता है और नासिक में जो है सबका सम्मिलित रूप से होता है। तो यहाँ निर्वाणी अखाड़े की प्रधानता है और सबसे अधिक मंडलेश्वर महामंडलेश्वर इस अखाड़े में है, सबसे अधिक विद्वान इसमें है और सबसे लंबी परंपरा यहाँ की है। शैव भक्त इस अखाड़े के साधुओं ने इसकी पूरी तैयारी की थी और 40 मिनट तक संगम पर डुबकी लगाकर पुण्य को प्राप्त किया। सबसे पहले स्नान का लाभ प्राप्त किया अखाड़े के श्री पीठाधीश्वर महामंडेश्वर ने। संगम के तट पर भक्ति का सागर उमड़ रहा था और शाही स्नान का दूसरा मौका मिला निरंजनी अखाड़े को। सुबह 7:15 पर निरंजनी अखाड़े के शाही स्नान की बारी आई और उन्होंने भी 40 मिनट तक त्रिवेणी घाट पर स्नान का लाभ उठाया। शाही स्नान में तीसरी बारी आई भारत के सबसे बड़े शैव अखाड़े जूना अखाड़े। देखिए कैसे जूना अखाड़े के नगा साधु संत शाही स्नान को लेकर उत्साहित हैं। जो शाही स्नान का आनंद है, मस्ती है, उसको किस तरह से बताना चाहेंगे आप? आनंद बनिया है, फर्स्ट क्लास आनंद चल रहा है। मकर संक्रांति में शाही स्नान का चौथा मौका मिला वैष्णव को मानने वाले निर्वाणी अखाड़े को। निर्वाणी अखाड़े के साधुओं को 30 मिनट तक स्नान का लाभ मिला। दिन में करीब 11:20 पर शाही स्नान के लिए संगम तट पर आए दिगंबर अखाड़े के साधु संत। छठे नंबर पर स्नान के लिए निर्मोही अखाड़ा के साधु सन्यासी पधारे जिन्होंने 30 मिनट तक अमृत जल से स्नान किया। दोपहर करीब 1:15 उदासीन पंथ के नागा पंचायती अखाड़ा के साधु संतों ने करीब 55 मिनट तक संगम पर स्नान कर महापुण्य की प्राप्ति की। लोगों का सैलाब संगम तट को भव्य बना रहा था और इसी भव्यता के बीच दोपहर करीब 2:20 पर बड़ा पंचायती अखाड़ा ने शाही स्नान किया। और सबसे आखिर में दोपहर 3:40 पर शाही स्नान के लिए आया निर्मल पंचायती अखाड़ा और पूरा हो गया अखाड़ों के शाही स्नान का लंबा लेकिन अनोखा अद्भुत आध्यात्मिक दौर। प्रतीक त्रिवेदी और अनूप श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, संगम तट, इलाहाबाद, आज तक। कुंभ नगरी में आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आज पर्व का पहला दिन था, यानी शाही स्नान का पहला दिन। और ये मौका था जब शाही सवारी निकली, एक एक करके अखाड़े निकले और सर्वप्रथम सबसे पहला मौका मिला महानिर्वाणी को, क्योंकि प्रयाग में यह परंपरा है कि महानिर्वाणी पहला स्नान करते हैं। तो लिहाजा उत्साह भी थे और उमंग भी था जो देखने को लगातार महानिर्वाणी अखाड़े में मिलता रहा।
महाकुंभ का पहला शाही स्नान और पहले शाही स्नान के लिए पहला मौका मिलना किसी महात्म से कम नहीं। शैव पंथ के महानिर्वाणी अखाड़े की तैयारी इस पावन मौके के लिए शानदार थी। अब खुद देखिए आस्था की भावना से लबरेज महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों के उमंग और उल्लास को। सुबह के 5:15 बजते ही महानिर्वाणी अखाड़े के सैकड़ों साधु संत शाही स्नान के लिए संगम तट की ओर बैंड बाजा और गाजे बाजे के साथ बढ़ चले। सिंहासन जड़ित एक से बढ़कर एक रथ अखाड़े के उच्च पदाधिकारियों को लेकर घाट की ओर प्रस्थान करने लगे। स्नान सवारी आन बान और शान से निकली है। घोड़ों पर नागा सन्यासी तैनात हैं और दमामे बज रहे हैं। ये ऐलान है पहले कुंभ के पहले शाही स्नान का। और इसके पीछे हम आपको दिखाते हैं कि शाही जुलूस में किस तरह से आन बान और शान रहती है। महाकुंभ के पहले शाही स्नान पर साधु संतों के अलग अनोखे रूप दुनिया के सामने आए। विचित्र वेशभूषा और अजीबो गरीब अंदाज, हर कोई अपनी धुन में मस्त मौला है, लेकिन भक्ति भावना में कमी रत्ती भर नहीं। हर अखाड़े के स्नान की सदियों पुरानी परंपरा है और पहला मौका मिलता है पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर को। कुंभ पर्व के धर्म ध्वजा स्थापित होने के साथ ही तभी सन्यासी साधु संत महंत महामंडलेश्वर आचार्य श्री सारे लोग रथों के हौदों पर सवार होते हैं और शाही स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही आचार्य महामंडलेश्वर रथ पर सवार होते हैं, इसके साथ ही तमाम साधु संत महंत उनके आगे महापुरुष कतार में चलते हैं, नागा सन्यासी चलते हैं, उसकी जुलूस की शाही स्नान के जुलूस की अगुवाई नागा सन्यासी करते हैं और बैंड बाजे ढोल धमामे के साथ शंखनाद और हर हर महादेव की गूंज के बीच तमाम सन्यासी नागा सन्यासियों की अगुवाई में चल पड़ते हैं शाही स्नान के लिए। मान्यता है कि महाकुंभ के शाही स्नान में स्वर्ग लोक से 33 करोड़ देवी देवता स्नान के लिए धरती पर पधारते हैं। सुबह में ठंड जोरदार थी, लेकिन पुण्य का भागी बनने का उल्लास महानिर्वाणी अखाड़े के साधुओं में साफ दिख रहा था। करीब 40 मिनट तक महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने संगम तट पर शाही स्नान का लाभ उठाया और उसी शाही अंदाज में अपने अखाड़े में वापस लौट गए जिस शाही अंदाज में उन्होंने यहाँ पदार्पण किया था। प्रतीक त्रिवेदी और अनूप श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, संगम तट, इलाहाबाद, आज तक। कुंभ नगरी में अभी सूरज ठीक से निकला नहीं था कि निरंजनी अखाड़ा संगम तट की ओर चल पड़ा था। तीर धनुष से लैस ये लोग काफी उत्साह में थे और इनका उत्साह देखते बनता था और ये लोग चल रहे थे संगम तट की ओर और श्रद्धालु हाथ जोड़कर किनारे रास्तों पर खड़े थे। वीर रस से लबरेज यही अद्भुत छटा है शैव संप्रदाय की निरंजनी अखाड़े की। तीर धनुष, तलवार और दूसरे पुरातन हथियारों से लैस अखाड़े के साधु बढ़ चले हैं शाही स्नान के लिए। निरंजनी अखाड़े की शाही सवारी की शुरुआत हुई सुबह 6:15 पर। यात्रा प्रारंभ हो गई। शाही स्नान के लिए निरंजनी अखाड़े की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। पीछे महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर इसी तरह से यात्रा संगम के लिए करते हुए और भक्त श्रद्धालु उनके पीछे चलते हुए। रंग बिरंगे भव्य रथ और मस्तमौला साधु करेला, ये भव्यता है निरंजनी अखाड़े और उसके भक्तों की। तुरही ढोल नगाड़े की थाप पर संगम नगरी का पूरा मंजर भक्तिमय हो गया। निरंजनी अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़े के बाद संगम तट की तरफ जाने के लिए तैयार है और उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है और संगीत की ये मुदर सुने आप सुन सकते हैं। धीरे धीरे अखाड़े के नागा साधु और सामान्य साधु संगम की ओर पहुंच चले। सुबह 7:15 पर शुरू हुआ स्नान करीब 40 मिनट तक चलता रहा। भक्ति के रंग अलग दिखे, ढंग अलग दिखे, लेकिन हर किसी पर महाकुंभ के महाउल्लास की महिमा छाई हुई थी। प्रतीक त्रिवेदी और अनूप श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, संगम तट, इलाहाबाद, आज तक। दो अखाड़े स्नान कर चुके थे और अब बारी थी तीसरे अखाड़े की, देश के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े की। और जूना अखाड़ा चला आचार्य जूना पीठाधीश्वर
अवधेश आनंद गिरी के नेतृत्व में, और लोग अब प्रतीक्षा कर रहे थे देश के सबसे बड़े अखाड़े के साधु समाज और नागा के दर्शन करने के लिए। हाथी घोड़े पर विराजमान साधु संत सन्यासी, यही पहचान है शैव संप्रदाय के जूना अखाड़े की, जो है भारत का सबसे बड़ा सनातन अखाड़ा। महाकुंभ का महाअवसर, सबको इंतजार शाही स्नान के लिए जूना अखाड़े के शाही आगमन का, क्योंकि जूना अखाड़े के नागा साधु संतों को सबसे दिव्य, अलौकिक और इस लोक से परे माना जाता है। शाही स्नान के लिए सबसे पहले शाही सवारी निकली जूना अखाड़े के श्री पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी जी की। मकर संक्रांति का पावन पर्व है, उत्तरायण आरंभ हो गया है कि जब भगवान भास्कर के रश्मियों में किंचित उष्णता आई है, ऐसे में इस धरा को ऊर्जा, ओज, विभूति, वैभव और सुख संपदा चाहिए। मैं संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए, जैव जगत के हित के लिए और पर्यावरण के संतुलन के लिए डुबकी लगाऊंगा। जूना अखाड़े के जंगम साधुओं का अनोखा संगीत इनकी शाही सवारी को और भव्य और आध्यात्मिक बना रहा था। जूना अखाड़े के मशहूर पायलट बाबा भी अपने शिष्यों के साथ शाही सवारी में शामिल थे। हमारा देश समृद्धशाली बने और हमारा देश की संस्कृति सभ्यता विश्व में प्रचार हो, हम विश्व के गुरु बन करके विश्व में मानवता की रक्षा करने के लिए, विश्व में शांति के लिए हम सभी प्रयास करते हैं। यह कुंभ मेला एक ऐसा सुअवसर है जिसके माध्यम से विश्व को हम लोग जागरण देते हैं कि हम आपको प्रेम का, शांति का संदेश दे रहे हैं। आइए, बिना परिचय का भी हमारे यहाँ पधार करके हमारे प्रेम को, शांति को स्वीकार कर अपने देश को शांति में बनाए। जब जूना अखाड़े के नागा साधु सन्यासी संगम तट पर स्नान के लिए पहुँचे तो महाकुंभ के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा देखते ही बन रही थी। मैं बीच संगम पे मौजूद हूँ और यहाँ जूना अखाड़े के नागा सन्यासी और तमाम संत महंत शाही स्नान के लिए पधार चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी मस्ती और आनंद। देखिए कैसे गंगा यमुना के संगम पर नागा साधु तलवार से लैस अपने अलग अंदाज में स्नान का लाभ अर्जित कर रहे हैं। कि अमृत से हम स्नान कर रहे हैं, अमृत आया हुआ है, मंथन हुआ हुआ जो अमृत था वो इस स्नान करने में से हमें नजर आता है कि हमने अमृत से स्नान किया, जिससे अंदर देवता गंधर सब आए हुए हैं, जो अदृश्य साधु है वो भी आए हुए, जो अदृश्य देवता है वो भी इसमें आए हुए, उन्हीं को हम आके स्नान करते हैं, इसी को किया जाता है महाकुंभ। जूना अखाड़े में महिला सन्यासियों की भी अच्छी खासी तादाद है। शाही सवारी में सिंहासन पर विराजमान महिला संत भी शाही स्नान के लिए संगम तट पर पधारी थी। तो आज हम लोगों का स्नान का दिन है, तो सब लोगों का प्रे है, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में, हर कोई अपनी प्रे यहाँ लेके आया है। हम लोगों का ये है कि हम लोग एक आदर्श मानते हैं सब लोग हमें, तो हम लोग सबके लिए एक प्रे करते हैं कि जो आज का स्नान है वो आगे जाके सबकी रक्षा करे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और सब लोगों को एक आगे बढ़ने का भी मौका मिले और नारी शक्ति का भी जो है कि सुरक्षा मिले। रहने का भक्कड़ अंदाज लेकिन भक्ति की शाही परंपरा। जूना अखाड़े के नागा साधुओं का स्नान करीब 40 मिनट तक चला। मन में सिर्फ एक ही भाव, महाकुंभ के शाही स्नान पर अमृत कलश से छलकी एक बूंद का लाभ उन्हें भी हासिल हो जाए। प्रतीक त्रिवेदी और अनूप श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, संगम तट, इलाहाबाद, आज तक। तो संगम तट से ये थी हमारी खास पेशकश।